महादेव, मुझे वचन देने के कारण आप काशी छोड़ने और माता से विलग होने के लिए विवश हो गए थे। मुझे क्षमा कर दीजिए महादेव, मुझे क्षमा कर दीजिए। प्रभु, काशी लौट आइए, काशी लौट आइए, माता आपकी प्रतीक्षा कर रही है। प्रभु, काशी लौट आइए, माता आपकी प्रतीक्षा कर रही है। प्रभु, माता आपकी प्रतीक्षा कर रही है। प्रभु, आइए देवदास, अब हमारे प्रस्थान का समय आ गया है। देव अपनी प्रिय काशी नगरी पहुंचने और देवी आदि शक्ति से अपने संयोग के लिए अधीर हो रहे हैं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा बसंतम हृदयार बिंदे भवम भवानी सहितम नमामि। अंततः आप मेरे पास प्रभु काशी लौट ही आए, किंतु आपने मुझे विशालाक्षी कहकर क्यों पुकारा प्रभु? प्रिय, आपने इतने वर्षों तक बिना पलके छपकाए अपने विशाल नेत्रों को खोल रख मेरी प्रतीक्षा की, इसलिए आज से आप माता काक्षी विशालाक्षी के नाम से भी प्रख्यात हैं। यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव बंधनामृत्येर्मुक्षीयमामृता।
ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय। मेरा परम भक्त ऋषि जगेश्वर मेरी प्रतीक्षा कर रहा था। ओम नमः शिवाय 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 ओम नमः शिवाय। महादेव महादेव मेरे प्रभु मेरे महादेव आपने मुझे दर्शन दे दिए, आप मुझे मिल गए प्रभु। मेरे इस प्रतीक्षा के कठिन समय में कुमार कार्तिकेय और प्रथम पूज्य गणेश जी ने मुझे जीवित रहने का साहस दिया, मेरा विश्वास बंधाया। उन्हीं के कारण मैं अपने इस संकल्प को पूरा करने में सफल हो सका महादेव। प्रभु आज आपने मुझे दर्शन देके धन्य कर दिया, अब मैं शांति से परलोक की यात्रा के लिए प्रस्थान कर सकता हूँ प्रभु। ऋषि जगेश्वर अब मैं यहाँ हूँ और मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगा। आपने प्रण लिया था कि मेरे दर्शन के उपरांत ही आप अन्न और जल ग्रहण करेंगे, तो अब अन्न और जल का सेवन कीजिए ऋषिवर। मुझे अन्न चाहिए माता अन्नपूर्णा। नित्यानंद करी वरा भय करी सौंदर्य रत्ना करी निर्धुता अखिल घोर पावन करी प्रत्यक्ष महेश्वरी चल वंश पावन करी काशी पुराधीश्वरी भिक्षा ते कृपावलंबन करी माता नमूणेश्वरी माता नमूणेश्वरी। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमः
देवी अन्नपूर्णा, मैं आपसे भोजन की भिक्षा मांगता हूं। देवी अन्नपूर्णा, आप करुणा और उदारता का भाव रखने वालों की सहायक होती हैं। अपने असंख्य उपहारों से एवं सुरक्षा से अपने भक्तों को अनंत आनंद प्रदान करने वाली हैं। आपने मेरे भक्त के लिए भोजन प्रस्तुत कर मुझे कृतार्थ कर दिया। इसलिए यहां मेरी प्रिय काशी में आपका मंदिर स्थापित होगा, जिससे आप यहां मेरे आने वाले मेरे समस्त भक्तों को अन्न दान दे सके। ये कोलाहल नहीं मूर्ख दुर्गमासुर, ये तुम्हारे अंत की सूचना का उद्घोष है।
हर हर महादेव, 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 हर हर महादेव। पुत्र गणेश, तुम्हारे और पुत्र कार्तिकी के अथक प्रयासों से ही पुनः काशी इतनी जीवित और सुखमय हो सकी है और तुम्हारे कारण ही मैं अपनी प्रिय काशी में लौट सका हूँ। पिताश्री, इसका संपूर्ण श्रेय तो गणेश को ही जाता है, जिसने निराशा के क्षणों में भी भक्ति की शक्ति में अपने दृढ़ विश्वास से हमारे मन में आशा जागृत कर हमें भी निरंतर अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ने पर प्रेरित किया। पुत्र गणेश, जो तुमने किया उसके लिए मैं तुम्हारा धन्यवाद कैसे करूं? काशी से मैं कितना दूर हो गया था। अपनी प्रिय काशी में प्रवेश के सुख से वंचित था मैं, और मेरे यहां लौटने का कोई मार्ग नहीं दिख रहा था, और यहां महेश्वरी मेरी प्रतीक्षा में जड़वत होकर स्थित थी। किंतु तुमने अपनी भक्ति, युक्ति और श्रद्धा से मुझे पुनः मेरी काशी में लौटाने का मार्ग ढूंढ लिया पुत्र, जिसके परिणाम स्वरूप महेश्वरी की पूर्णता से भी मेरा संयोग संभव हुआ। पिताश्री, आप और माँ इतने कष्ट में थे, ये मैं कैसे देख सकता था? इसलिए मैंने तो वही किया पिताश्री, जो एक पुत्र का कर्तव्य था। हेरम, हेरम, हेरम। हेरम, अर्थात निर्बल और लाचार जीवों के सहायक हैरम गणपति, अर्थात वो दयालु भगवान जो अपने भक्तों को हताशा के अंधकार में आशा की किरण दिखाएंगे, जो सभी दुर्बल निसहाय जीवों के रक्षक होंगे। पुत्र गणेश, महाराज राजा देवदास से काशी को मुक्त करवाने के प्रसंग के उपरांत धन्यवाद स्वरूप इसीलिए मैंने तुम्हें अपने अंग से लगाया था, और अब मैं घोषणा करता हूं कि तुम्हारे इस रूप में तुम्हारा एक भव्य मंदिर स्थापित होगा। पुत्र, मेरे और महेश्वरी के विलग होने से संसार पर संकट छाया हुआ था, किंतु तुम अपनी भक्ति में अडिग रहे, महाराज देवदास का मार्गदर्शन कर तुमने उनका कल्याण किया, काशी का कल्याण किया, अपनी माँ और स्वयं मेरा भी कल्याण किया, मेरे भक्त ऋषि जगेश्वर का कल्याण किया। इसलिए एक प्रकार से तुमने संपूर्ण संसार का ही कल्याण किया। ये तो मात्र मेरा एक दायित्व था। तुमने अपना दायित्व भली भांति निभाया पुत्र, तुमने न केवल अपने परिवार का भला किया अपितु तुमने मेरे भक्तों की भी रक्षा की। जगत कल्याण को सर्वोपरि रख तुमने संसार को सर्वनाश से सुरक्षित किया, तुमने सभी की सुरक्षा सुनिश्चित की, और यही होगा तुम्हारे हैरम स्वरूप का महत्व पुत्र। अद्भुत, अनूठा, अति सुंदर होगा तुम्हारा स्वरूप। इस स्वरूप में तुम्हारे पंच शीश होंगे, जिनसे तुम सभी प्रमुख दिशाओं में अपने भक्तों पर दृष्टि रख सकोगे, उनकी रक्षा कर सकोगे, क्योंकि तुम तो वो महान रक्षक हो पुत्र, जिसने पूर्व काल में अपने ही दंत का प्रयोग कर अपने भक्तों की रक्षा की। तुम तो असहाय जीवों के सच्चे संरक्षक हो। हे रम गणपति, हे रम गणपति, हे रम गणपति।
अव्यावरा हहास्ता पाशादंता कर्षामला श्रुणु परशु धधानो मुधागरा मुधातं च फलमाधिगथा सिद्धाः पञ्चामातङ्ग भक्तारा गणपतिरधिकारः पाठो हे रामबाणा गणपतिरधिकारः पाठो हे रामबाणा काशी में महादेव के पुनः प्रवेश, माता आदि शक्ति और महादेव के संयोग के साथ प्रथम पूज्य गणेश जी के भव्य हेरंब रूप के दर्शन प्राप्त कर आप सभी धन्य हो। इंद्रदेव, आप और सभी देवता इतने दुर्बल क्यों हो गए? क्या कारण है इसका? दुर्गमासुर। इसलिए अब तो सर्वत्र अज्ञानता के अंधकार का विस्तार होना चाहिए, तो फिर दूर में दिखाई देती ये लौ कैसी? वो लौ तुम्हारा काल है। तुम्हें दिखाई देने वाली वो लौ उनकी आशा की प्रतीक है, जिनकी आस्था अच्छाई में है और इसीलिए तुम्हारे सर्वनाश की सूचक है। शांत शांत हो जाओ तुम। मुझे स्पष्ट बताओ कि ये लौ कहां से उत्पन्न हो रही है? बताओ वेद माता। वेद को संसार से लुप्त करना चाहते हो और वेद से ही प्रश्न कर रहे हो। महान असुर हो ना तुम, यही विश्वास है ना तुम्हारा? तो जाओ और जाकर ज्ञात करो कि क्या है वो लौ। मैं अपने प्राण त्याग दूंगी किंतु तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर कदापि नहीं दूंगी। तो मुझे कम आंकने की भूल मत करना, क्योंकि मैं दुर्गमासुर हूं और मुझे अपने प्रश्नों का उत्तर कैसे ज्ञात करना है बड़ी बात ही ज्ञात है मुझे। माँ, आप बिना अपनी पलकें झपकाए पिताश्री की प्रतीक्षा में व्याकुल अवस्था में थी। कदाचित इसलिए आपको ये ज्ञात नहीं माँ कि इस अंतराल में दुर्गमासुर ने कितना आतंक उत्पन्न किया है। माँ, दुर्गमासुर ब्रह्मलोक से वेद माता का अपहरण कर उन्हें अपने साथ ले गया है। माता, इस सृष्टि की रक्षा के लिए मुझे ससुर से मुक्त कराइए। माता, वेद की देवी का हरण कर लिया दुर्गमासुर ने। स्वामी, इतना कुछ घटित हो गया तो फिर उस दुष्ट दुर्गमासुर का वध क्यों नहीं किया आपने? मेरे प्रिय भक्त को यातना पहुंचाने का दुस्साहस कैसे किया उसने?
महादेव दुर्गमासुर का वध करने में अक्षम है देवी। ये आप क्या कह रहे हैं? भला ऐसा कौन सा असुर है जिसका वध स्वामी नहीं कर सकते? देवी, दुर्गमासुर को दिए वरदान की मर्यादा के अनुसार महादेव उसका वध करने में असमर्थ है। फिर कौन कर सकता है उसका वध? वो ऐसी स्त्री हो जिसने वर्षों तक अपनी पलकें न झपकाई हो। तथास्तु, तथास्तु। आप देवी एकमात्र आप ही उसका अंत कर सकती हैं। उसको दिए हुए वरदान के अनुसार उसका वध एक ऐसी स्त्री से संभव है जिसने सहस्त्र वर्षों से अपनी पलकों को झपकाया ना हो। हाँ माँ, अब आप ही दुर्गमासुर का वध कर वेद माता को उससे मुक्त कराकर पुनः संसार में धर्म की सत्ता स्थापित कर सकती हैं, जिससे यज्ञ आदि पुनः आरंभ हो सके और देवता हविष्य रूपी अपना आहार प्राप्त कर सके। माँ, महेश्वरी, दुर्गमासुर के वध के लिए आपको विंध्याचल पर्वत पर जाकर अपनी संपूर्णता को उजागर करने हेतु तपस्या करनी होगी। स्वामी, अभी तो हमने इतनी दीर्घ अवधि तक इतना कष्ट व्रत वियोग सहा है, अब जब हम एक साथ हुए भी तो हमें पुनः पुनः विलग होना होगा। ये हमारी कैसी नियति है स्वामी? किंतु ज्ञात है मुझे कि यही जगत कल्याण के लिए आवश्यक है और मैं अपनी इच्छा को अपनी संतानों और भक्तों से ऊपर नहीं रख सकती। सत्य है माँ, संसार की भलाई के लिए बहुत कष्ट सहती हैं आप। पुत्र, यदि मेरे भक्त दुखी तो मैं प्रसन्न कैसे हो सकती? मेरी और तुम्हारे पिताश्री की सुख का तो बस एक ही आधार है, हमारी समस्त संतानों का सुखी और सुरक्षित रहना। जिस गृह में पति और पत्नी के बीच में स्नेह होता है और परिवार के समस्त सदस्यों में पारस्परिक स्नेह की भावना के साथ सामंजस्य होता है, मेरा वास वही होता है। हम इतना त्याग इसीलिए करते हैं ताकि संसार में सभी सुख और स्नेह से रह सके। मैं दुर्गमासुर का वध अवश्य करूंगी, किंतु ये तभी संभव होगा जब वेद की देवी उसके बंधन से मुक्त होकर सुरक्षित अपने स्थान पर स्थित हो जाएंगी। और ये कार्य तुम्हें करना होगा गणेश। और इस पूजा हेतु मैं किसी भी पशु की बलि आपको प्रस्तुत कर सकता हूं, किंतु नहीं, मैं ऐसा कदापि नहीं करूंगा। मां प्रकट हो, प्रकट हो मां, दर्शन दे मां, दर्शन दे।
फिर माता, तो फिर मैं सुए की बलि देता हूं। माँ प्रकट हो, माँ दर्शन दो, माँ दर्शन दो, माँ उचित है माँ, तो फिर मैं स्वयं को ही खंडित करूंगा, मुझे दर्शन दो माँ। मुझे दर्शन दो माँ, माँ प्रकट होइए। मैं क्षमा चाहूंगा माता, किंतु यदि मैं वेद माता को दुर्गमासुर से मुक्त करा सकता तो बहुत समय पूर्व ही ऐसा कर चुका होता माँ। किंतु मैं तो क्या, फूफा जी के वरदान के कारण कोई भी देवता दुर्गमासुर के समक्ष नहीं टिक सकते। किंतु अब तो आप वेद माता को दुर्गमासुर से मुक्त कराने का दायित्व मुझे ही सौंप रही हैं माँ। ये कैसे संभव होगा माता? मेरी आहुति स्वीकार करो माँ, दर्शन दो माँ। जब दुर्गमासुर मेरे सम्मुख होगा तब मेरे क्रोध का आवेग अपने चरम पर होगा और मैं अपनी क्रोधाग्नि से भस्म करूंगी उसे। किंतु वेद की देवी, मेरे क्रोध से कोई क्षति पहुंचे ये मुझे स्वीकार नहीं, इसीलिए मैं उन्हें वहां से मुक्त कर सुरक्षित देखना चाहती। और एक बार वेद की देवी देवताओं के समक्ष पहुंच गई तो वो उन्हें पुनः ऊर्जा प्रदान करेंगी, और जब सभी देवगण पुनः अपना पूर्ण वैभव प्राप्त करेंगे तभी मैं दुर्गमासुर को दंडित करूंगी। इसीलिए वेद की देवी को दुर्गमासुर से छिपकर मुक्त करना होगा। और इतनी चतुराई तुम्हारे सिवाय और किस में है गणेश? किंतु इस कार्य में तुम अकेले नहीं होगे पुत्र गणेश, मेरी शक्ति तुम्हारे साथ जाएगी। जगदम्बे जग जननी सिंह आरुढ़ा, जय मां जय जय मां उमा स्वरूपा। पुत्र, मेरी ये शक्ति तुम्हें वेद की देवी तक पहुंचने में तुम्हारा मार्गदर्शन करेगी और तुम्हारे मार्ग में आने वाली सभी कठिनाइयों को दूर भी करेगी। सुनो माता, छोड़ो आवेशा, करे पथ करता निवेदन गणेशा। जगदम्बे जग जननी सिंह आरुढ़ा, जय मां जय जय मां उमा स्वरूपा। पुत्र,
जब मैंने कहा था मेरी शक्ति और मैं अपनी संपूर्णता से तुम्हारे साथ रहेंगे, इसका अर्थ ये है कि मैं सृष्टि की समस्त शक्ति ज्योति पुंज के रूप में तुम्हारे हाथों में स्थित रहूंगा। और ऐसा मैंने इसीलिए करा क्योंकि वेद को लौटाना आवश्यक है, क्योंकि यदि वेद नहीं तो सृष्टि नहीं। किंतु माता, आपकी शक्ति इतनी सहजता से कैसे मध्यम हो सकती है? मेरी लौ की यही प्रकृति है पुत्र गणेश। उस लौ में मेरी शक्ति होने के उपरांत उस पर जल और वायु दोनों का प्रभाव होगा, इसीलिए सावधान रहना पुत्र। इस दीपक की लौ को कभी बुझने मत देना। माँ, मैं इस लौ की रक्षा करने हेतु अपने प्राण भी न्यौछावर कर दूंगा, किंतु इसे बुझने नहीं दूंगा। हे माँ, प्रकट हो माँ, दर्शन दे माँ। उचित है, आप मेरी पूजा और मेरे बलिदान से प्रसन्न नहीं है ना, तो मैं स्वयं अपने शेष की आहुति दे देता हूं। माता, दर्शन दे मां, मां प्रकट हो मां, मां दर्शन दे मां। और एक क्षण के लिए तो मुझे लगा कि भस्म कर दूं तेरा शीश इस अग्नि में, अंत कर दूं मैं तेरा दुष्ट, बिखरे पड़े रहने दूं तेरे शरीर के लिए भिन्न भाग और छुटकारा प्राप्त करूं तेरे हट से। अरे क्यों बार बार निषिद्ध पूजा कर जागृत करता है अंधकारी शक्तियों को रे। जाओ पुत्र, मेरी दीपक की लौ तुम्हारा मार्गदर्शन कर तुम्हें वेद की देवी तक पहुंचाएगी। वो दीपक तुम्हें उचित दिशा का संकेत देकर तुम इस पे विश्वास कर आगे बढ़ो पुत्र, तो तुमसे कोई भूल नहीं होगी। अब मुझे आज्ञा दीजिए माँ। मूषक जी, नियमों से बंधी हूँ मैं, अनुष्ठान यदि उचित तो मंत्रों की अनुष्ठात्री देवी को दर्शन देने आना ही होगा। और तू दुर्गमासुर, तुझे मेरे सिवाय किसी और अंधकारी देवी को बुलाने में रुचि नहीं होती है क्या? आप धन्य है माँ, धन्य है। निषिद्ध पूजा है ये, तांत्रिक पूजा का विवश किया है तूने मुझे। माता, वो दूर वहां जो मैंने लौ देखी है वो क्या है माँ? वेद माता तो अभी भी मेरे वश में है और संसार से वेद लुप्त है, तो फिर संसार में सर्वथा अंधकार ही छाना चाहिए ना माँ? तो फिर इस प्रकाश की उत्पत्ति कहां से हुई माँ?
वेद माता तेरे वश में है, फिर भी अज्ञानी का अज्ञानी ही रह गया तू। अरे सुन, महादेव काशी लौट आए हैं। महादेव और आदि शक्ति का पुनर्मिलन हुआ है और इस मिलन के कारण तुझे ये प्रकाश दिखाई दे रहा है। बस इतनी सी बात, मैं व्यर्थ ही चिंतित हो रहा था। यदि महादेव और आदि शक्ति साथ आ गए हैं तो मुझे उससे क्या? माता, माता रुकिए, माता मुझे बताइए इसके पीछे क्या छुपा है जो मैं देख नहीं पा रहा हूं। माँ बताइए, माँ कृपया मुझे बताइए। जब तू इतना कुछ कहता है तो तुझे दिखाई कैसे देगा मूर्ख? मुझे यहाँ बुलाकर अपने प्रश्न का उत्तर तू स्वयं ही दे रहा है। माता, माता मुझे बता दीजिए इसमें मेरे लिए क्या संकट है? सत्य में मूर्खाधिराज है रे तू, तेरे ऊपर तो संकट ही संकट है मूर्ख। वो कैसे माता? माता आदि शक्ति अपनी शक्ति के साथ अपने पुत्र गणेश को तेरी ओर भेज रही है। गणेश के हाथ में एक दीपक, उस दीपक की लौ में माता की शक्ति। यदि वो लौ तेरी नगरी तक पहुंच गई तो तेरी संपूर्ण नगरी भस्म हो जाएगी। तो रोक ले उसे, बुझा दे उस दीपक की लौ को, अन्यथा तेरी नगरी को नष्ट होने से कोई शक्ति नहीं रोक पाएगी। नहीं नहीं नहीं, उचित नहीं हुआ। क्या हुआ पार्वती? स्वामी, स्वामी दुर्गमा सर, मेरे अंधकारी तामसिक स्वरूप को निषेध पूजा से विवश कर हमारी योजना ज्ञात कर ली। पार्वती, पुत्र गणेश आपकी शक्ति का दीपक लेकर देवताओं एवं धर्म की रक्षा करने हेतु वेद की देवी को मुक्त कराने जा रहा है और अब दुर्गमासुर को हमारा भेद ज्ञात हो गया है। हाँ स्वामी, किंतु दुर्गमासुर ने मेरी अंधकारी शक्ति को निषिद्ध पूजा कर विवश किया था और मेरी निषिद्ध पूजा कर जो मुझे विवश करता है, मैं उसे दर्शन तो अवश्य देती हूँ, किंतु वो ये भूल जाता है कि भविष्य में इस पूजा का परिणाम बुरा ही होता है, क्योंकि निषिद्ध पूजा करने वालों की भक्ति सदैव कपट पूर्ण ही होती है और मंत्रों की शक्ति के कारण हम अपनी अनिच्छा से ऐसे भक्तों को दर्शन देने के लिए विवश होते हैं। माँ, तो दुर्गमासुर को अब ये ज्ञात हो गया है कि गणेश वेद माता को मुक्त कराने उसकी ओर ही गया है, तो अब वो शांत तो नहीं रहेगा, तो क्या गणेश संकट में है? माँ देवी आदि शक्ति अपने पुत्र गणेश को भेज रही है एक लौ के साथ जिसमें उसकी संपूर्ण शक्ति है। तो मैं वो दीपक ही बुझा दूंगा। ना रहेगी माता, ना रहेगा यह संसार और ना ही रहेगा कोई ईश्वर। एक ओर वेद की देवी संकट में और दूसरी ओर देवताओं का अस्तित्व भी
नष्ट होने के निकट है और अब हम गणेश को भी आगे बढ़ने से नहीं रोक सकते। तो अब सब कुछ गतिशील, सब कुछ गणेश के ही हाथ में। तो अब जो करेगा गणेश ही करेगा। धर्म की रक्षा के लिए हमें वेद माता को किसी भी प्रकार से मुक्त कराना ही होगा मूषक जी, और ये कार्य हमें गुप्त रूप से करना होगा मूषक जी। गुप्त रूप से प्रभु? हाँ मूषक जी, दुर्गमा सुर को इसका तनिक भी आभास नहीं होना चाहिए, अन्यथा स्थिति नियंत्रण के बाहर जा सकती है। यदि वो लौ तेरी नगरी तक पहुंच गई, तो तेरी संपूर्ण नगरी भस्म हो जाएगी। तो रोक ले उसे, बुझा दे उस दीपक की लौ को। आपने मुझे बुलाया महाराज? हाँ कीटका, तुम्हें एक कार्य सौंपना है मुझे। मेरा एक महाशत्रु अपने हाथों में ज्योति लिए मेरे नगर की ओर बढ़ रहा है, और तुम्हें उसे यहाँ प्रवेश करने से रोकना है, उस ज्योति को बुझाना है। अवश्य महाराज, मैं ये कार्य अवश्य करूंगी, क्योंकि ज्योति को लीन लेने में मुझे बहुत आनंद आता है, क्योंकि मेरा आहार जो है ज्योति। किंतु कीट का अब ना वो महादेव पुत्र यहाँ तक पहुँच सकेगा और ना ही उसके दीपक में वो ज्योति शेष रहेगी। ज्वाला की सुषमता से तो आनंद आ गया। कीटका, स्मरण रहे, तुम उस ज्योति को अपना आहार बनाकर उसके अस्तित्व को मिटाना है, उसकी उष्मता से आकर्षित मत होना। बहुत चतुर है वो बालक, उसके चाल में मत उलझना, बस किसी भी प्रकार अपना कार्य संपन्न करना होगा तुम्हें। मूषक जी, गति धीमी कीजिए। मूषक जी, हमें अपनी दिशा परिवर्तित करनी होगी, चलिए। जी प्रभु। मूषक जी, ये ध्वनि सुनी आपने? हाँ प्रभु, ऐसा प्रतीत होता है जैसे कोई कीट हो। हम ऐसी घाटी में हैं मूषक जी, जहाँ वृक्ष पौधे पुष्प हैं, इसलिए यहाँ कीट भी अवश्य होंगे, तो कदाचित चिंता का कोई कारण नहीं है। हाँ।
बुझाने के प्रयास में है। प्रभु ये क्या? ये कोई साधारण कीट नहीं, अवश्य ये कोई आसुरी कीट है जो यहाँ माता की ज्योति को बुझाने का प्रयास कर रहा है। माता ने कहा था ये लौ बुझनी नहीं चाहिए। गणेश का अनुमान उचित है, मुझे भी उस कीट की असुरी प्रवृत्ति का आभास हो रहा है और वो मेरी ज्योति को ही क्षति पहुंचाने के लिए वहां पहुंची। मूषक जी संभाली। अरे इस बार तो मैं इस ज्योति को बुझा कर ही रहूंगी। जो कोई भी हो किंतु मैं तुम्हें माँ की शक्ति को कोई हानि पहुँचाने नहीं दूंगा। मुझे कान जी की सहायता लेनी चाहिए। ये ध्वनि तो इस ओर से आ रही है। अरे इसने तो मुझे देख लिया। सोन जी और मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगी। इस ज्योति को ले जाऊंगी मैं। माँ, ये आसुरी कीट तो आपकी ज्योति को अपना आहार बनाने के लिए आतुर है। आप यही रुकिए मूषक जी, अब मैं अपनी युक्ति दिखाता हूँ। कहाँ गया, कहाँ जाकर छिप गया तू भीरू बालक? छिप गए तुम भीरू बालक? अच्छा तो वहाँ छिप रहे हो, अब देखती हूँ तुम मुझ किटका से कैसे बचते हो। तुम कितना भी लघु आकार क्यों न धारण कर लो बालक, मैं तुम्हें ढूंढ ही लूंगी, क्योंकि मैं ज्योति को अपना आहार बनाती हूँ और मेरा आहार मुझसे कदापि छिपा नहीं रह सकता।
मुझे मूषक जी को ढूंढना ही होगा, किंतु इस घनी धूप में। धन्यवाद माता, आपका दीपक दुर्गमासुर के आतंक से त्रस्त और निराश सृष्टि के लिए आशा की एक किरण के समान है। और ये भी स्पष्ट है माता कि दुर्गमासुर इस दीपक को अपने स्थान से दूर ही रखना चाहता है, क्योंकि यदि आप वहाँ पहुँच गई तो कुटिलता का नाश तो स्वतः ही हो जाएगा। इसलिए वो भी मुझे रोकने का प्रयास कर रहा है माता, अपने आसुरी जाल बिछाकर मेरे मार्ग में बाधा उत्पन्न कर रहा है वो। किंतु जब आप मेरे साथ हैं माता, तो मुझे चिंता करने की क्या आवश्यकता है। अपने डंक से गणेश को आहत कर रही है, जिससे गणेश के हाथ से वो दीपक गिर जाए और वो उस दीपक पर धावा बोल दे। मुझे समझ में नहीं आ रहा, ये असुरी कीट तो इतनी लघुकाय है, गणेश जी बड़ी सहजता से इसे मसल सकते हैं, तो फिर वो ऐसा क्यों नहीं कर रहे? सूर्यदेव, गणेश मेरी ज्योति को सुरक्षित रखने हेतु रक्षात्मक होने पर विवश, क्योंकि यदि वो अचानक गतिशील हुआ तो दीपक की लौ डगमगा जाएगी, जिससे मैं स्वयं अस्थिर हो जाऊंगी, जिसका कुप्रभाव सृष्टि को सहना होगा। यदि गणेश चाहे तो बल का प्रयोग अवश्य कर सकता है, किंतु इस चुनौती को उसे बल से नहीं अपितु युक्ति से हल करना होगा, जिससे वो मां की दी हुई ज्योत की रक्षा भी कर सके। ऐसे नहीं तो वैसे, मैं इस ज्योति का नाश अवश्य करूंगी। ये तो अति है इसकी, ये मेरा आहार बनेगी, अथवा मैं इसे बुझा कर रख दूंगी। अब इसे उचित पाठ पढ़ाता हूँ। सूर्य कोटि समप्रभा। ये क्या, इसने तो पुनः विशाल रूप ले लिया है, संभवतः ये मुझे उलझाना चाहता है, किंतु मैं इसके छलावे में नहीं आने वाली। मैं तुम्हारे हाथों को चीर कर इसे प्राप्त कर लूंगी। माँ, मुझे आपकी सहायता की आवश्यकता है। इतनी उष्मता, अति सुंदर, कितनी आनंद देने वाली है ये दीपक की लौ। अब एक छोटी सी क्रीड़ा करता हूँ। प्रथम पूज्य गणेश जी, ये क्रीड़ा का समय नहीं है, यही उचित अवसर है, मसल कर रख दीजिए इस कीट असुर को। देवराज इंद्र, गणेश कोई क्रीड़ा नहीं कर रहा है।
यार कार्तिकेय, यदि क्रीड़ा नहीं कर रहे हैं तो फिर क्या कर रहे हैं प्रथम पूज्य गणेश जी? और जैसे कीट पतंगे ज्योति की उष्णता और उसके प्रकाश की ओर आकर्षित होते हैं, उसी प्रकार गणेश भी इस कीट को उस ज्योति की ओर खींच रहा है। मात्र गणेश ही अपनी चतुराई से ऐसी युक्ति उत्पन्न करने में सक्षम है। वो उस ज्योत को अपने हाथों में सुरक्षित भी रखेगा और बिना उस पर कोई आक्रमण किए उस कीट का अंत भी सुनिश्चित करेगा। लौ की उष्मता सुखदाई है ना? हाँ, बहुत सुखदाई है ये दीपक की लौ। तो इसके और निकट आओ ना, इससे और सुखद अनुभव होगा। माँ, वो आसुरी तो एक पतंगे की भांति स्वयं इस ज्वाला में प्रवेश कर गई। किंतु मैं किसी भी जीव को इतनी पीड़ा में नहीं देख सकता माँ। तुमने मेरे प्राण क्यों नहीं लिए? मुझे जीवित क्यों छोड़ दिया? क्योंकि मैं यहाँ किसी से युद्ध करने नहीं आया हूँ। मेरा तो मात्र एक ही उद्देश्य है, मेरे हाथों में जो शक्ति है उसे सुरक्षित रखना है मुझे। तुम्हें कोई हानि पहुँचाने की इच्छा नहीं थी मेरी, किंतु तुम मेरी माँ की शक्ति को क्षति पहुँचाना चाहती थी, इसलिए माँ ने ही तुम्हें दंडित किया है। माँ, इस दीपक की लौ जहाँ संकेत करेगी मैं उसी दिशा में आगे बढ़ूंगा, किंतु कहीं मुझसे कोई भूल हो गई, मैं संकेत ना समझ सका और भटक गया तो? पुत्र, मेरी ज्योति तो तुम्हें सदा उचित दिशा का निर्देश देगी, इसलिए यदि तुम भटक भी गए तो तुम चिंता मत करो पुत्र, ये ज्योति तुम्हें पुनः उचित दिशा दिखाएगी। और पुत्र, तुम्हें वही पहुँच कर वेद की देवी को भी ढूंढना होगा। धन्यवाद माँ। मूषक जी, वो देखिए कच्छर नगर। दीपक की लौ हमें उसी दिशा में बढ़ने का संकेत दे रही है। माँ ने भी मुझे इसी नगर के विषय में सजग किया था। इसमें तो अनेकों असुरों का वास है जो सभी दुर्गमासुर की सेवा का सुर है। यहाँ अनेक असुर है और वो किसी भी बाहरी जीव को इस नगर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं देते। तो फिर हम इस नगर के भीतर कैसे जाएंगे प्रभु? वो मुझ पर छोड़ दीजिए। उचित है। महाराज, वो दिखने में एक बालक अवश्य प्रतीत होता है, परंतु वो अत्यंत अत्यंत शक्तिशाली है। उसने मेरी क्या दुर्दशा कर दी देखिए महाराज। नहीं महाराज, मोर, मैंने तुम्हें पहले ही सावधान किया था कि इस ज्योति के प्रति आकर्षित मत होना।
बस उसे बचा देना। किंतु तुमसे इतना भी ना हुआ, मुझसे ही भूल हुई कि मैंने एक कीट पतंगे को भेज दिया उस ज्वाला को नष्ट करके, किंतु आप नहीं, अब मैं उससे भी अधिक शक्तिशाली और विशाल भयंकर असुर को भेजूंगा। छाया सुर। गया ये छाया सुर, मुझे स्वयं ही देखना होगा उसे। ये दर्पण साक्षी है मेरे भावी व्यक्तित्व का। सुर की छाया है ये, जो होते हुए भी किसी के अस्तित्व को होते हुए भी लुप्त कर देती है। आपने मुझे बुलाया महाराज? हाँ बुलाया है, अवश्य बुलाया है तुम्हें। आओ छाया सुर, आओ। छायासुर आपकी सेवा में उपस्थित है महाराज। छायासुर मेरा एक महाशत्रु मेरे नगर की ओर एक दीपक के साथ बढ़ रहा है, तो जाओ और उस दीपक की ज्योति पर छा जाओ। ने कहा था उनका शत्रु नगर में प्रवेश करने वाला है, किंतु यहाँ जो भी आएगा इसी प्रवेश द्वार से आएगा, क्योंकि कच्चा नगर में प्रवेश करने का तो कोई और मार्ग ही नहीं है, तो मैं यही स्थित रहकर निगरानी रखता हूँ। चित्र विडम्बना है ये, जिस प्रकाश का विस्तार तुम समस्त संसार में करना चाहते हो उसी ने तुम्हें मेरे समक्ष लाकर तुम्हें संकट में डाल दिया है बालक। मूषक जी आराम से चलिए, समय लगेगा तो लगने दीजिए, किंतु हमें कोई देख ना सके। मूषक जी कैसे पड़ रही है? किंतु ये कैसे संभव है?
ये कैसा अनर्थ हो गया? माता का दिया बुझ कैसे गया? ये अनर्थ कैसे होने दिया मैंने? प्रभु, अब क्या होगा प्रभु? सावधान रहना पुत्र, इस दीपक की लौ को कभी बुझने मत देना, क्योंकि यदि ये लौ बुझी तो सृष्टि मेरी शक्ति से वंचित हो जाएगी। माँ का दीपक बुझ गया मूषक जी, मुझ पर माँ को अटूट विश्वास था और मैं माँ के विश्वास का मान नहीं रख सका। मैं असफल हो गया मूषक जी। प्रभु के स्वर में इतनी निराशा तो प्रथम बार सुनी है मैंने, किंतु मैं उनका धड़ कैसे बनाऊं अब? मेरे सामर्थ्य पर कितना विश्वास था माँ को, मेरी सफलता के प्रति कितनी आश्वस्त थी वो, किंतु मैंने माँ को निराश किया, देवताओं को निराश किया, मैंने वेद माता को निराश किया, माँ के दीपक को सुरक्षित नहीं रख सका मैं। मुझे क्षमा कर दीजिए माँ। बालक, छाया स्वरूप में छाया बनकर किसी पर भी छा जाता हूँ, और अब इस दीपक की लौ को ढककर मैं तुम्हें इसी भ्रम में रखूंगा कि तुम अपने उद्देश्य में असफल हो गए। अब मैं वेद माता को कैसे सुरक्षित करूँगा? तो क्या अब संसार वेद विहीन हो जाएगा? धर्म का ह्रास निरंतर होता रहेगा, सर्वत्र अराजकता का ही प्रभाव होगा, और संसार की इस दुर्दशा का कारण मैं बनूंगा। वेद से रिक्त यहाँ से कैसे लौटूं मैं? कैसे किसी को अपना मुख दिखाऊंगा मैं? प्रभु, मीर, आशा, इसी में ही आशा का भी छुपा होता है। बस आवश्यकता है स्वयं पर विश्वास की। आप प्रभु प्रथम पूज्य हैं, विघ्न हरता है, तो आप कैसे विघ्न से निराश हो सकते हैं भला? अपने निराश मन में आशा की लौ प्रज्वलित कीजिए प्रभु, तो संभव है आप पाएंगे कि दीपक की लौ अभी तक प्रज्वलित हो, किंतु वो मात्र थोड़ी मंद पड़ गई हो प्रभु। ये कैसे संभव है मूषक जी? मैं स्वयं अपने नेत्रों से इस दीपक को देख रहा हूँ और उसकी तनिक भी लौ मुझे दिखाई नहीं दे रही। कदाचित आपके नेत्रों को ही भुलावा हो रहा हो प्रभु। तो लीजिए मूषक जी, आप भी अपने नेत्रों से देख लीजिए। किंतु मुझे सावधान रहकर दीपक के ऊपर पूर्ण रूप से स्थित रहना होगा। इसे ये लौ नहीं दिखाई देनी चाहिए, मैं पुनः पूर्ण रूप से ढक देता हूँ इसे। मेरी दृष्टि का भ्रम था ये, अथवा एक क्षण के लिए मुझे दीपक की लौ पुनः दिखाई दी थी। ये क्या हो रहा है मुझे? ये भ्रम एक असुरी माया का प्रभाव। तो मैं अभी जाकर गणेश को इस माया के प्रति सजग कर देता हूँ। माता, रुको पुत्र, मुझे ज्ञात है कि तुम अपने अनुज गणेश की सहायता करने के इच्छुक हो, किंतु गणेश को आभास हो चुका है कि वहाँ कुछ अनुचित घट रहा है। अभी माँ के दीपक की लौ मुझे दिखाई देना कोई भुलावा नहीं था, क्योंकि वो लौ तो जिसके अस्थिर होने से संपूर्ण पृथ्वी कंपित हो उठी थी, वो आज अदृश्य हो गई, किंतु उसका कोई दुष्प्रभाव नहीं हुआ। ये कैसे संभव है? इसका तो अर्थ है कि कोई अपनी माया से लौ को ढक रहा है। बालक अब
अपनी सूंड मेरी ओर क्यों ला रहा है? मुझे बहुत स्थिर रहने की आवश्यकता है। बड़ी विचित्र बात है, मुझे अब अपनी सूंड दिखाई नहीं दे रही है, किंतु माँ की लौ की उष्मता का आभास हो रहा है मुझे। अर्थात मेरा अनुमान उचित था, किसी आसुरी माया ने ही माँ की लौ को छिपाकर अदृश्य कर दिया है। तो अब उस आसुरी शक्ति को प्रकट कर उसे इस अपराध के लिए दंडित करना चाहिए मुझे। किंतु इससे पूर्व मैं कुछ लीला करने वाला हूँ। मूषक जी, प्रतीत होता है किसी अत्यंत बलशाली शक्ति ने बाधित किया है हमें। अब हमारा उससे पार पाना संभव नहीं, हम पराजित हो चुके हैं मूषक जी। उचित प्रतीत हुआ तुम्हें बालक। क्या हो गया प्रभु को? निराशा से उबर ही नहीं रहे प्रभु, मुझे ही उन्हें संभालना होगा। ऐसा मत कहिए प्रभु। ये तो स्वीकार करना ही होगा मूषक जी कि कोई विशेष माया ही माँ के दीपक की ज्योति को बुझा सकती है। ये तो आपने उचित कहा प्रभु। अब तो जो हो गया सो हो गया मूषक जी, हम निरुपाय हो चुके हैं। हाँ प्रभु। तो फिर यहाँ रुकने से क्या लाभ, हमें यहीं से पीछे मुड़कर लौट जाना चाहिए मूषक जी। वाह वाह, ये बालक तो अब लौट रहा है, वो भी इस दीपक को यहीं छोड़कर। एक बार ये अपने इस मूषक के साथ लौट जाए तो मैं इस दीपक को महाराज तक ले जाऊंगा और स्वयं इसकी लौ को बुझाने का आनंद लेंगे। चलिए मूषक जी। मूषक जी देखिए, मूषक जी दीपक की लौ तो पुनः प्रज्वलित हो गई। हाँ प्रभु। अरे ये क्या हो गया मुझसे, अपने स्थान से अस्थिर क्यों हो गया मैं? चमत्कार, ये तो चमत्कार है प्रभु। अरे ये क्या, ये लौ तो पुनः बुझ गई। मूषक जी मेरा अनुमान तो ये था कि कोई अत्यंत सामर्थ्यवान असुर इस घटना के पीछे है, किंतु 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 क्या प्रभु? किंतु कदाचित भूल थी वो मेरी, क्योंकि यदि वो इतना समर्थ है मूषक जी तो उसके प्रभाव से इस लौ को एक ही बार में बुझ जाना चाहिए ना। ये लौ तो कभी बुझती है और कभी पुनः प्रज्वलित हो जाती है। बालक, मेरी छाया असुर की शक्ति पर संदेह करने का तो साहस मत करो तुम। सर्वथा उचित कहा आपने प्रभु। अब सब आपके और मेरे समान सामर्थ्यवान कहाँ हो सकते हैं प्रभु? नहीं मूषक जी, इस कार्य के लिए शक्ति ही नहीं बुद्धि की भी आवश्यकता है। वो कैसे प्रभु? देखिए, यदि मैं एक असुर होता और मुझे इस दीपक की लौ को बुझाना होता तो मैं एक अनूठे किंतु सरल और अचूक उपाय का ही प्रयोग करता। दीपक की लौ को प्रज्वलित रखने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? ग्रिड की। तो यदि उस दीपक की लौ को बुझाना ही है तो उसके ग्रिड को ही हटा दो। किंतु वो ग्रिड कैसे हटाऊं मैं? वाह असुर जी, बहुत उत्सुकता है ना आपको ये उपाय ज्ञात करने की, इसीलिए स्वयं को रोक ना सके आप। तो आपकी उत्सुकता ही अब आपके कंठ की भांस बनेगी। चतुर 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 ये तो अत्यंत उत्तम प्रश्न किया है आपने मूषक जी। मैंने कब ये प्रश्न पूछा प्रभु से? अच्छा समझ गया, ये अवश्य प्रभु की कोई युक्ति है। दीपक को घृत से रिक्त करने के लिए तो दीपक को उलटना होगा ना? अच्छा हुआ उन्हें मेरे बारे में ज्ञात नहीं हुआ। अरे हाँ, ये तो सर्वथा उचित है, किंतु मैं उसे आभास नहीं होने दूंगा कि मैं उसकी युक्ति समझ चुका हूँ। अच्छा हुआ उन्हें मेरे बारे में ज्ञात नहीं हुआ। हे
मुझे क्या देख पा रहा है ये? नहीं, ये कैसे देख सकता है मुझे? मुझे विचलित नहीं होना चाहिए, संयत रहना चाहिए। पकड़े जाने का भय तो है, किंतु एक बहुत सरल उपाय है। दीपक के निचले भाग में छिद्र कर दो तो घृत तो स्वयं ही बह जाएगा। उचित है। बहुत सरल हो तुम बालक। अभी तक तो मैं दीपक को ढक कर ही रख रहा था, किंतु अब तुमने मुझे इसकी लौ को सदा के लिए बुझाने का उपाय सुझा दिया। अब देखो मैं क्या करता हूँ। अरे मुक्त कर दो मुझे, जाने दो मुझे। क्यों क्यों मुक्त कर दो तुम्हें? तुम मेरे माँ की दीपक की लौ को बुझाना चाहते थे, दुष्ट पापी। उस लौ को जो ज्ञान, आयु और उससे भी अधिक स्वयं परमात्मा की प्रतीक है। तुम्हें ज्ञात भी है कि प्रज्वलित दीपक को बुझाना कितना अशुभ होता है। प्रभु, मैं तो मात्र एक सेवक हूँ और अपने स्वामी असुरराज दुर्गम असुर के आदेश का पालन कर रहा था। व्यवस्था में प्रभु, मेरा विश्वास कीजिए प्रभु, मुझे मुक्त कर दीजिए, मुझे मुक्त कर दीजिए प्रभु, मुझे मुक्त कर दीजिए। मैं सदा आपका दास बनकर रहूंगा। मैं बुरा नहीं हूँ प्रभु, मैं बुरा नहीं हूँ प्रभु। स्वामी के आदेश का पालन करने की व्यवस्था थी मेरे प्रभु। तुम्हारा प्रयोजन अनुचित था, इसलिए जिस पावन दिए को तुम बुझाना चाहते थे उसके तले मैंने तुम्हें दबाकर तुम्हें दंडित किया है। उचित किया प्रभु आपने, जो मुझे इस दिव्य दीपक से हथेली पर रखकर दबाया। आपने माता के दिव्य दीपक के स्पर्श से मुझे पाप मुक्त कर दिया और मेरे भीतर सद्बुद्धि जागृत हो गई प्रभु। किंतु प्रभु, मैं दुर्गमासुर के नगर नहीं लौट सकता। अभी मुझे आप कोई उचित मार्ग सुझाइए। मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ? तो उचित है, आज से तुम्हारा स्थान दीपक के नीचे होगा छायासुर। दीपक के तले अंधकार के प्रति स्वरूप पुत्र गणेश ने छायासुर का भी कल्याण कर दिया। छायासुर, दीपक के नीचे तुम्हारा अंधकार इस बात का प्रतीक होगा कि अंधकार रूपी माया सदैव हम पर अपनी छाया डालने की ताक में हमारे साथ रहती है, किंतु हमें सदैव सजग रहकर माया के अंधकार रूपी माया जाल से स्वयं को सुरक्षित रखना चाहिए, क्योंकि यदि एक बार भी भूल हुई तो अरिष्ट वर्गों के प्रकोप के कारण हमारा पतन क्षण भर में हो जाएगा। अर्थात एक छोटी सी भूल भी हमारे संपूर्ण जीवन का सर्वनाश कर सकती है। प्रभु, आपने मुझ पर कृपा कर एक पावन स्थान प्रदान किया है, इसलिए मैं भी आपकी सेवा करने के लिए तत्पर हूँ। प्रभु, मुझे बताइए आप दुर्गमासुर के नगर में क्यों प्रवेश करना चाहते हैं? दुर्गमासुर ने वेद माता का हरण किया है, मैं उन्हें ही ढूंढ कर दुर्गमासुर से मुक्त कराने जा रहा हूँ छायासुर। यदि मैं स्वयं आपको वेद माता तक ले जा सकता तो अवश्य ले जाता प्रभु, किंतु मुझे इतना ही ज्ञात है कि वेद माता को बंधक बनाकर किसी अत्यंत गुप्त स्थान पर रखा है दुर्गमासुर ने। आप चिंता मत कीजिए छायासुर, माँ की दीपक की लौ हमें यहाँ तक ले आई है तो वो हमें आगे का मार्ग भी दिखाएगी। किंतु आगे का पथ बहुत दुर्गम होगा प्रभु, जिस नगर में आप प्रवेश करने वाले हैं वहाँ पग पग पर भयंकर असुर आपके लिए संकट उत्पन्न करेंगे। वो असुर बड़े ही दुष्ट और रक्त पिपासु हैं, और रात्रि में तो उनकी शक्तियों में और भी वृद्धि हो जाती है। आप सावधान रहिए प्रभु। धन्यवाद छायासुर, अब मैं किसी भी प्रकार से दुर्गमासुर तक पहुंचकर वेद माता को मुक्त करा कर ही रहूंगा। चलिए मूषक जी, अब समय आ गया है मूषक जी, वेद माता को मुक्त कराकर उस दुष्ट दुर्गमासुर द्वारा संसार में फैलाए अज्ञानता को दूर करने का। आगे बढ़िए मूषक जी। मूषक जी, मुझे असुरों की चिंता नहीं, माँ ने मुझे एक विशेष प्रयोजन से यहाँ भेजा है,
मुझे वेद माता को यहाँ से मुक्त करना है, इसलिए हमें अपने प्रयोजन के प्रति सतर्क रहना चाहिए। किसी से युद्ध करने में अपना समय व्यर्थ नहीं करना चाहता मैं, इसलिए कदाचित हमारा गुप्त रूप से ही भीतर जाना उचित होगा। मूषक जी, पूर्व में भी लघु आकार धारण करने पर हमारा पथ सुगम हुआ था, तो हम एक बार पुनः वही युक्ति अपना लेते हैं। उचित है प्रभु। अभी तक छायासुर लौटा क्यों नहीं? इतना समय क्यों लग रहा है उसे? माता, मेरा मार्गदर्शन कीजिए माता, मुझे बताइए मेरा नगर सुरक्षित तो है ना माँ? क्या छायासुर उस बालक को लौटाने में सफल तो हो गया ना माँ? माँ, दर्शन दीजिए माँ, दर्शन दीजिए। मूर्ख, दर्शन दीजिए, दर्शन दीजिए। मूर्ख, क्यों दर्शन दूर है तुझे? हाँ, मेरी दुविधा है ये, तू भक्त ठहरे मेरा, इसीलिए तेरे पुकारने पर यहाँ आने के लिए विवश हूँ मैं। माता, 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 अपने इस भक्ति सहायता कीजिए माता, कृपा कीजिए माता। बस कर, सुन चुकी हूँ तेरा प्रश्न, मैं सुन चुकी हूँ रे, इसीलिए एक चतुर बालक के समान मुझे बहलाने का प्रयास मत कर। और सुन, ध्यान से सुन, तेरा वो सेवक छायासुर तो गया। अब वो बालक माता? तू यहाँ मुझसे प्रश्न करने में समय व्यर्थ कर रहा है, और इस संतराल में गणेश तेरे नगर में प्रवेश कर रहा है। ये क्या? ये मेरे असुर इतने ऊंचे स्वर में क्यों बोल रहे हैं? कहीं वो बालक भीतर तो नहीं आ गया? वही उस कुल्हाड़ के पीछे है। अभी तो सब कुछ कुशल प्रतीत होता है, मुझे अपने असुरों को नीचे जाकर सतर्क कर देना चाहिए। उस बालक को बंदी बनाना अति आवश्यक है। दुर्गमासुर का कच्छर नगर। चलिए मूषक जी, हमें सीधी दिशा में ही जाना है। मूषक जी, शीघ्रता कीजिए, आगे बढ़िए। मूषक जी, बचिए। अरे, हमें बहुत ही सतर्कता से जाना होगा मूषक जी। मदिरा का आनंद लो, आनंद आ रहा है। मदिरा, मांस भक्षण करो, मांस भक्षण। ये स्थान रिक्त है, यहाँ से निकलिए। मूषक जी, कहीं किसी और से संकट ना आ जाए। मूषक जी कुशल है। ये क्या,
मूषक जी बचिए। मुझे इस लॉ को रक्षित करना होगा। मूषक जी शीघ्रता कीजिए, कहीं दीपक की लॉ बुझ ना जाए। मूषक जी शीघ्रता कीजिए, दीपक की लॉ हमें बुझने नहीं देनी है। मूषक जी, अरे नहीं, मूषक जी शीघ्रता से निकलिए। प्रभु क्या हम कुछ अधिक ही छोटे नहीं हो गए? मूषक जी यही अति आवश्यक है, वेद माता तक पहुंचने का यही एकमात्र उपाय है। मूषक जी माँ का दीपक तो हमें उसी दिशा में ले जा रहा है, इसका अर्थ है कि वेद माता उसी भवन के भीतर स्थित है। चलिए मूषक जी उस द्वार के भीतर चलिए। हाँ प्रभु। वेद माता हम आप तक पहुँच ही गए, आप चिंता मत कीजिए। मूषक जी शीघ्रता कीजिए, प्रतीत होता है ये द्वार बंद हो रहा है। मूषक जी छलांग लगाइए, छलांग। अरे इन्होंने तो प्रवेश द्वार बंद कर दिया। चलो हमें चलकर यह कुंजी महाराज दुर्गमासुर को देनी है। माँ ये मार्ग तो बाधित हो चुका है, कृपया हमें अन्य मार्ग दिखाइए। मूषक जी दीपक में स्थित माँ की शक्ति तो यही संदेश दे रही है कि वेद माता तक पहुँचने का यही एकमात्र मार्ग है, अर्थात सर्वप्रथम हमें दुर्गमासुर से वो कुंजी प्राप्त करनी होगी। प्रभु ये क्या कर रहे हैं आप? दुर्गमासुर से कुंजी प्राप्त करना तो दहकते अग्नि में प्रवेश करने के समान है। वो जो भी हो मूषक जी, किंतु हमारे समक्ष वही एकमात्र उपाय है। मूषक जी हम वेद माता के अत्यंत निकट पहुंच चुके हैं, किंतु कुंजी हमें अभी प्राप्त करनी है, परंतु मैं इस स्थिति में माँ के दीपक को संकट में नहीं डालना चाहता, तो मैं दीपक को आपके साथ यहीं छोड़कर आगे बढ़ूंगा। कुंजी प्राप्त करने के उपरांत मैं आपको यहाँ से ले जाऊंगा। माँ मैं शीघ्र लौटूंगा, किंतु अभी इस समय मेरा आपके बिना ही आगे बढ़ना अनिवार्य है, मुझे आज्ञा दीजिए माँ। आप चिंता मत कीजिए प्रभु, आपकी अनुपस्थिति में मैं माता का दीपक सुरक्षित रखूंगा। अवश्य ये मार्ग दुर्गमासुर के भवन की ओर जाता है, मैं वहीं जाता हूँ। मिला।
क्षमा महाराज, ये लीजिए महाराज। खड़ा। वेद माता, तुम सभी बताओ मुझे कि तुमने किसी भारी व्यक्ति को मेरे नगर में प्रवेश करते हुए देखा है क्या? मैं कहाँ आगेरा? मुझे यहाँ से निकलकर भवन की ओर जाना चाहिए। अरे नहीं 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 नहीं, नहीं। अरे मैं तो यहाँ उलझ गया। ये तो संकट का संकेत है। अरे, अरे। माता के दीपक की उष्णता, उसका भार, दोनों ही ये देखे, किंतु मैं इसे सुरक्षित रखने में कदापि असफल नहीं होऊंगा। उस आसुरी बिल्ली तक मूषक जी की गंध पहुंच गई है। सुनो, तुम सभी सुनो, एक बालक के प्रति सचेत और सावधान रहना। कुछ भी संदिग्ध घटित हो तो मुझे उसी क्षण सूचित करना। कोई भारी व्यक्ति दिखाई दे तो उसे मेरे समक्ष प्रस्तुत करना। समझ गए? जी महाराज, जी महाराज। महाराज, आपके लिए मैं ये प्रस्तुत करूं? कहीं मुझे ये देख ना ले। नहीं चाहिए। ऐसा क्यों प्रतीत हो रहा है मुझे, जैसे वो बालक मेरे बहुत निकट ही है, जैसे उसे मैं सूंघ सकता हूं। शीघ्र मुझे कहीं छिपना होगा। मुझे दुर्गमा सुर से वो कुंजी प्राप्त कर यहाँ से निकलना ही होगा, किंतु ऐसे तो यहाँ से मैं कभी भी नहीं जा सकूँगा। मुझे कोई युक्ति सोचकर इनका ध्यान यहाँ से भटकाना होगा, किंतु मैं ये कैसे करूँ? युक्ति। ज्ञान ब्रह्म प्रकाशकः मोहासुरस्य शत्रुर्वै आहुवाहनगः स्मृतः ॐ गजाननं भूतागणाधिसेवितम् कुमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्
यहाँ तो कुछ भी स्थित नहीं था, फिर ये भोजन का पात्र गिरा कैसे? अरे ये तो असंभव है महाराज, मांस मिष्ठान में कैसे परिवर्तित हो गया? महाराज ये देखिए, ये मदिरा जल में परिवर्तित हो गया। गणेश के स्पर्श से जो कुछ भी तामसिक था वो सब कुछ अब सात्विक हो गया है। वो यही था। मूर्खो, किसी कार्य के नहीं हो तुम, एक बालक तुम्हारे होते हुए यहाँ आया और सुरक्षित चला गया। अरे मूर्खो, तुमको इतनी सी भड़कनी पड़ी, अब मुंह क्या देख रहे हो? वेद माता जहां स्थित है वहां की सुरक्षा और कड़ी कर दो। वो बालक अवश्य वेद माता को ढूंढने का प्रयास करेगा। जाओ और अब हक बना दो मेरे दुर्ग को। कुंजी, दुर्ग के द्वार की कुंजी अपने स्थान पर स्थित नहीं है, कहां गई? कहां गई कुंजी? मूषक जी, किंतु हमें शीघ्रता करनी होगी। दुर्गमा सुर को ये ज्ञात हो चुका है कि मैं उसके नगर में हूँ। जब वो मुझे बाहर ढूंढेगा तब उसी अंतराल हम वेद माता को उसके भवन के भीतर ढूंढेंगे। जी प्रभु। इस दुर्ग तक तो हम पहुँच जाएंगे, किंतु इस विशालकाय द्वार को इस कुंजी से कैसे खोलना है, इसका उपाय तो वहीं जाकर करना होगा मुझे। अर्थात वो दुष्ट बालक दुर्ग तक, वेद माता तक पहुंच ही गया क्या? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। प्रभु, कुंजी का प्रयोग कर रहे हैं तो आप उस क्षेत्र तक कैसे पहुंचेंगे? मूषक जी, यदि संकल्प में दृढ़ता हो तो मार्ग स्वतः ही उत्पन्न हो जाते हैं, और माँ की शक्ति हमें यहाँ तक लाई है, तो अब थोड़ा प्रयास और श्रम तो हमें भी करना होगा ना। प्रभु, क्यों ना हम अपने सामान्य आकार को धारण कर इस पद को खोल लें? ये एक उपाय अवश्य है मूषक जी, किंतु इसके लिए हमें स्वयं को प्रकट करना होगा, और दुर्गमा सुर को ये अभी तक ज्ञात नहीं कि वो अभी किसे ढूंढ रहा है, इसीलिए हमें गुप्त ही रहना चाहिए और माँ के दीपक को कदापि प्रकट नहीं करना चाहिए। इसीलिए हमें अपने इसी आकार में रहकर अपना कार्य संपन्न करना होगा मूषक जी। मूषक जी, आप यहीं रुककर माँ के दीपक को सुरक्षित रखिए, मैं उस द्वार को खोलने का कोई उपाय ढूंढता हूँ, और जैसे ही ये द्वार खुल जाए आप भी भीतर आ जाइएगा। उचित है प्रभु।